बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। टीचर प्लेयर इमरान खान ने लफ्ज इस्तेमाल किया फटीचर का, ये इमरान खान साहब की सोच की अकासी करता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। पीएसएल खत्म हो गया लेकिन पीएसएल पर सियासी बयानबाजी अभी भी जारी है और एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का बयान है जो कि मुतनाजा बना है। ये पहली मरतबा नहीं है कि पीएसएल पे उन्होंने कोई बात की हो जो कि मुतनाजा बनी हो, लेकिन कल जब वो बात कर रहे थे साफियों से, गैर रस्मी गुफ्तगू थी, उसमें उन्होंने फॉरेन प्लेयर्स जो पाकिस्तान आए, लाहौर आए पीएसएल का फाइनल खेलने के लिए, उनके मुतालिक लफ्ज इस्तेमाल किए कि वो प्लेयर्स फटीचर थे, रेलू कट्टा थे। और इसके बाद से हम देख रहे हैं कि सख्त तनकीद हो रही है, सियासी हलकों से भी हो रही है, सोशल मीडिया पर बहुत तनकीद हो रही है, मीडिया पर तनकीद हो रही है और बहुत सारे सोशल मीडिया पर ऐसे पीटीआई के फॉलोअर्स हैं, पीटीआई के लोग हैं जो कि मुखालफत कर रहे हैं इस बयान की जो कि इमरान खान साहब ने कल दिया था। दो तीन दिन नहीं आना था ज्यादा, बाकी तो सारे जो फटीचर प्लेयर रेलू कटे थे उन्होंने मेरे से ही आ जाना था। ये मैंने तो किसी का नाम ही नहीं जानता जो कि ये फॉरेन प्लेयर आके लिए, वो मुझे लगता है कि ऐसे पकड़ के ले आए किसी को अफ्रीका से पकड़ लिया फॉरेन प्लेयर आके, हमें नहीं पता कौन थे। फॉरेन प्लेयर्स आए, मेहमान थे हमारे और उनको एक हीरो जैसा वेलकम दिया लाहौर के तमाशाइयों ने। सैमी सैमी के नारे सिर्फ लाहौर में नहीं लगे, इवन दुबई शारजा में जब मैचेस हो रहे थे तो लोगों ने उनका बड़ा हीरोज वेलकम दिया और खास तौर पे जब वो पाकिस्तान आए तो उनको अप्रिशिएट किया गया। और वो इसलिए अप्रिशिएट किया गया क्योंकि ये वो प्लेयर्स थे जिनको एडवाइस दी जा रही थी कि पाकिस्तान जाना रिस्क हो सकता है आपके लिए, आपकी यंग फैमिलीज हैं, आप पाकिस्तान ना जाएं, और इसी डर की वजह से बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स नहीं आए। लेकिन जो 8 खिलाड़ी जो टीम में खेल रहे थे क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर जर्मी में, वो पाकिस्तान आए, बहादुरी का सबूत दिया और गेम के बाद भी ये कहा कि ये गेम हमारे लिए सिर्फ एक क्रिकेट का गेम नहीं था, एक इमोशनल मैटर था हमारे लिए यहां पर आके खेलना। और डेरेन सैमी जो कि पेशावर जर्मी के कप्तान थे और वेस्टइंडीज के कप्तान रह चुके हैं, उन्होंने बाकायदा ये स्टेटमेंट दिया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने होम ग्राउंड सेंट लूसिया में खेल रहा हूं। लेकिन इमरान खान साहब का बयान उनके लिए ये कहना कि ये रेलू कट्टा या ये फटीचर प्लेयर थे बड़ा ही गैर मुनासिब, और इस पर कहा गया है कि इनकी तौहीन जो है की गई है क्योंकि इन्होंने बड़ा रिस्क लेके पाकिस्तान आए थे और यहाँ पर मैच खेला था। इन प्लेयर्स के हवाले से अगर वैसे भी बात की जाए, इनको इनका पाकिस्तान आना तो एक बात है, जो इन्होंने बहादुरी का सबूत दिखाया वो तो एक बात है, लेकिन वैसे भी अगर आप इनका रिकॉर्ड देखें, डेरेन सैमी एक ऐसे कप्तान है जो कि अपनी टीम को, वेस्टइंडीज को, 2 वर्ल्ड T20 के फाइनल्स जिता चुके हैं और दोनों फाइनल्स में सैम्यूल्स जो है वो मैन ऑफ द फाइनल्स थे, मैन ऑफ द मैच थे और वो भी पेशावर जर्मी का हिस्सा थे। इसके अलावा विविन रिचर्ड यहां पर आए हुए थे और इमरान खान साहब बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि कितने ग्रेट प्लेयर थे विविन रिचर्ड। डीन जोन्स आए हुए थे कमेंट्री करने, वो भी एक बड़े खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये गेम नहीं खेल रहे थे लेकिन ये खिलाड़ी पाकिस्तान जरूर आए थे। इस वक्त तनकीद हो रही है कि इमरान खान साहब को ये लफ्ज इस्तेमाल करने चाहिए थे या नहीं करने चाहिए थे। जब ऐसी फुल टॉस कोई बॉलर कराता है सियासी मैदान में तो उस बॉल पर छक्का भी पड़ता है और आज इमरान खान साहब के मुखालफिन ने भी ऐसा ही किया। आज जब मौका मिला राणा सनाउल्लाह साहब को और मरियम औरंगजेब साहिबा को तो उन्होंने सख्त तनकीद की और यह भी बात किया कि इमरान खान साहब को इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। कि इमरान खान ने लफ्ज इस्तेमाल किया फटीचर का, तो ये इमरान खान साहब की सोच की अकासी करता है। जब ये दुबई में खेल रहे थे तो ये ठीक थे, अगर ये पाकिस्तान आ गए तो ये फटीचर हो गए। ना उन्हें अपने अल्फाज पे कंट्रोल होता है और ना ही उन्हें अपनी गुफ्तगू पे कंट्रोल होता है। ये हिंदू बनिए की जुबान है, ये हिंदुस्तान की राह की जुबान है। जो लफ्ज राणा सनाउल्लाह साहब ने भी इस्तेमाल किए वो भी गैर मुनासिब थे, शायद इस तरह की तनकीद ना होती तो बेहतर था, लेकिन ये पाकिस्तान में सियासी कल्चर बनता जा रहा है कि कुछ भी आए, जो मुंह में आए, जो जबान मुंह में आए वो बोल दी जाए, चाहे वो मुखालफिन के बारे में हो, चाहे वो मैनेजमेंट के बारे में हो पीएसएल की, या फिर वो प्लेयर्स के बारे में हो। इससे पहले भी इमरान खान साहब पीएसएल फाइनल के हवाले से पागलपन और अहमकाना फैसले जैसा लफ्ज इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन जो सबसे पहला बयान दिया था 21 फरवरी को इमरान खान साहब ने, वो बड़ा मुस्बत था। वो चाहते थे कि लाहौर में फाइनल हो और खिलाड़ी खेलने के लिए आए इंटरनेशनल, अगर वो नहीं आते तो उन्होंने कहा था कि शायद टूर्नामेंट का फाइनल जो है वो डीवैल्यू हो जाएगा। लाहौर में फाइनल होगा, होना चाहिए,
लेकिन डिपेंड करेगा कि क्या फॉरेन क्रिकेटर्स जो हैं, असल में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का तो इशू नहीं है, क्या फॉरेन क्रिकेटर्स इतना उनको इत्माद है कि वो यहाँ आ जाएंगे। अगर वो आ गए तो बड़ा ज़बरदस्त होगा फाइनल, अगर वो ना आए तो डिवैल्यू हो जाएगा। इसके बाद 27 फरवरी को उनका बयान पीएसएल फाइनल के हवाले से मुख्तलिफ था। नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में समा को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इस मौके पे इन हालात में पीएसएल का फाइनल पाकिस्तान में करवाना पागलपन होगा। फाइनल लाहौर में करवाया जाए इस सिचुएशन में? मेरे ख्याल में इतना ये बुरा आइडिया है, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इससे क्या हम गेन क्या करेंगे। अगर सारे लाहौर में फौज जाके और सिक्योरिटी अलार्म करके और मैच करवाना है, और वो भी एक पीएसएल का मैच, वो कोई इंटरनेशनल मैच भी नहीं है, अब तो क्या इससे क्या लोगों को पता चलेगा कि अमन हो गया लाहौर में? ये तो पागलपन है। इसका दोनों तरफ ना हमें फायदा है स्टेज करने का, अगर सिक्योरिटी फोर्सेज फौज सारा कॉर्डन ऑफ करके मैच करवाएगी, ये कौन सा मार्का मारेंगे हम? 2 मार्च को इमरान खान साहब ने मजीद वजाहत की और ये कहा कि इस वक्त पीएसएल का फाइनल करवाना अहमकाना होगा, क्योंकि इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। अगर ये फाइनल इसलिए खेल रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट आएगी, तो इससे ज्यादा अहमकाना फैसला है ही नहीं। खान साहब का फरमाना था कि अहमकाना होगा ये उम्मीद लगाना कि इस मैच के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आएगी, लेकिन अच्छी खबर यह है कि सितंबर में वर्ल्ड 11 के खिलाड़ी पाकिस्तान आएंगे और 4 T20 मैचेस खेलेंगे, और यह बात कल गार्डियन ने कंफर्म की। जायस क्लार्क ने खुद कहा है कि मैं टीम को लेकर आऊंगा। कौन से खिलाड़ी होंगे वो जो कि पाकिस्तान आएंगे, ये अभी तक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन कम से कम एक उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आ चुकी है। और सिर्फ जायस क्लार्क की बात नहीं है, तमाम जो अखबार थे, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया हो चाहे हिंदुस्तान का मीडिया हो, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया जिस तरीके से पाकिस्तान में ये फाइनल कंडक्ट किया गया, जो सिक्योरिटी प्लेयर्स को प्रोवाइड की गई, जो लोगों का जज्बा और जुनून था ग्राउंड में, उन तमाम चीजों को जो है इंटरनेशनल मीडिया ने अप्रिशिएट किया हो, चाहे वो NDTV हो जिन्होंने उसको अप्रिशिएट किया हो, या दुनिया का कोई भी अखबार, उन्होंने बड़ी मुस्बत बात की है इस फाइनल के हवाले से। हमने पूछा लोगों से कि इमरान खान साहब ने जान दिया है, क्या वो दुरुस्त है, क्या ये लफ्ज उनको इस्तेमाल करने चाहिए थे इंटरनेशनल खिलाड़ियों के लिए, हमारे मेहमान खिलाड़ियों के लिए, कि वो फटीचर है या रेलू कट्टा, तो उन्होंने क्या कहा ये भी आपको सुनाते हैं। हर बार उल्टे बात करता है, हालांकि उसको चाहिए था कि वो एक खिलाड़ी था, उसको बल्कि खुद आना चाहिए था मैच में। बिल्कुल गलत बात की है, क्योंकि वो हमारे मेहमान है, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है यार, जो भी उन्होंने किया फट सकते हैं। इमरान खान साहब ने जो कहा है कि गैर मुल्की प्लेयर को टीचर है, ये नहीं उसको कहना चाहिए था, ये गलत है। गवर्नमेंट से इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन इस तरह की बात नहीं चलनी चाहिए। आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना चाहिए, आपने खुद 92 का वर्ल्ड कप जीता खान साहब, ऐसे ना करें अब आप। ऐसे उनको करना नहीं चाहिए, इतना अनजाय किया लोगों ने, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ वजीर आला पंजाब को। अगर इंटरनेशनल उसमें टीम में खेल रहे हैं तो फिर टीचर कैसे हुए? हमारे मुल्क की आगे रेपुटेशन वो खराब हुई हुई है, अगर ये आगे हमारे मुल्क को अच्छा करते हैं, हमारे मुल्क में आते हैं, तो हमारे मुल्क की रेपुटेशन अच्छी होती है। थोड़ा मिस्टेक हुआ है, क्योंकि मेहमान को कदर देनी चाहिए। आप टीचर लफ्ज जो कहा है वो लफ्ज कहना नहीं चाहता है, स्पोर्ट्समैन वो लफ्ज गलत है। बिल्कुल गलत बात है, और ये पठानों का कल्चर भी है कि हम मेहमान नवाजों के लिए और गेस्ट के लिए जो है वो अपने दिल खोल लेते हैं। जब कोई पाकिस्तान नहीं आना चाहता था तो चंद खिलाड़ियों ने पाकिस्तान आने का फैसला किया, और उनके लिए इमरान खान साहब ने ये लफ्ज इस्तेमाल किए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और भी कंट्रोवर्सी है। कल हमारी प्रोग्राम में नजम सिटी साहब ने कहा था, पीएसएल चेयरमैन है, कि इमरान खान साहब का जो बयान था पागलपन वाला, उसकी वजह से क्वेटा के कुछ खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान नहीं आए। उससे पहले एक अपने ही प्रोग्राम में वो ये भी कह चुके थे, डिस्कशन हो चुकी थी कि केविन पीटरसन वो खिलाड़ी हैं जो कि इमरान खान के बयान के बाद पीछे हट गए, और यही चीज़ द न्यूज़ और जंग ने भी रिपोर्ट की थी। 1 मार्च को जो उनका की स्टोरी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि मैनेजमेंट के जराए ये बताते हैं कि केविन पीटरसन इमरान खान के पागलपन वाले बयान के बाद पीछे हट गए, उन्होंने फैसला किया कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। लेकिन पहले सुन लेते हैं कि कल सिटी साहब ने हमारे प्रोग्राम में क्या कहा था, इसके बाद सुनाएंगे आपको कि केविन पीटरसन का बयान क्या है। क्वेटा वालों के साथ बेचारों के साथ हाथ हो गया, ये इनके प्लेयर्स एक शायद थोड़ा सा डामकडोल था, बाकी सारे प्यार थे। मुझे पता है ना इस बात का, मुझे इंश्योरेंस थी इन चीजों। वो जो बयान आया ना इमरान खान का, ऑनेस्टली इट रियली वो बहुत गड़बड़ होगी इसके साथ। और आपको पता ही है, आप तो मॉनिटर करते ही हैं, दोनों ने ट्वीट्स की जो लोग, और उन्होंने फिर अगले और प्लेयर्स को भी इन्फ्लुएंस किया, तो इसलिए वो हादसा हो गया। फिर हमें बैकअप जो हमने रखे हुए थे फिर उनको करना पड़ा, और इमरान खान साहब पहले भी गलत बयानी या गलत फहमी का शिकार रहे।
नजम सेठी साहब का कहना था कि इमरान खान साहब के बयान से बड़ी गड़बड़ हो गई, प्लेयर्स नहीं आए, हमें बैकअप प्लेयर्स पे जाना पड़ा, लेकिन उन प्लेयर्स में कम से कम केविन पीटरसन नहीं थे जिनके हवाले से ये खबरें शाया हो रही थी, क्योंकि केविन पीटरसन ने कल सोशल मीडिया पे अपना ये वीडियो रिलीज किया जिसमें उन्होंने साफ दो टोक अल्फाज में ये बात की कि मेरी फैमिली छोटी है, यंग फैमिली है, जिसकी वजह से मैं नहीं आया, इमरान खान के बयान का मेरे आने से कोई ताल्लुक नहीं था। Obviously it's turned out to be okay and the players are off and they're out of there and that's wonderful. But I was told that it wouldn't be a good idea to travel and so I didn't travel. I didn't want to travel to somewhere where I thought it would have been a little bit of a risk. But a young family and it was a family decision. It had absolutely nothing to do with what Imran Khan said. केविन पीटरसन का कहना था इमरान खान के बयान का मेरे ना आने से कोई ताल्लुक नहीं है। तमाम जो इस वक्त बयानबाजी हो रही है दोनों जमातों में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून लीग के दरमियान, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। ये लफ्ज इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पेश आई, क्या इस पर माफी मांग लेनी चाहिए और मामले को खत्म करना चाहिए, इस पर पीटीआई और पीएमएलएन के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ होंगे। एक ब्रेक के बाद इस पर गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इमरान खान साहब के बयान पर हम बात करेंगे, जो उन्होंने फॉरेन प्लेयर्स को कहा है कि फटीचर और रेलूकट्टा प्लेयर थे जो कि यहाँ पे खेलने आए, वो तो वैसे भी आ जाते हैं अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में आप उनको पैसा दें। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नू लीग से हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया। और इसके अलावा साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ होंगे आमिर सोहेल साहब। आमिर सोहेल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद साहब क्योंकि आपकी पार्टी के लीडर हैं, ये क्या स्टेटमेंट दिया उन्होंने, फॉरेन प्लेयर्स जो कि बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान खेलने के लिए आए थे, इतने खौफ के बाद उन्होंने हिम्मत की कि पाकिस्तान आके खेले, उनके जाने के बाद उनको ये कहा जाता है कि आप फटीचर और रेलूकट्टा स्टैंडर्ड के प्लेयर्स थे। देखिए बात यह है कि एक फटीचर टॉपिक के ऊपर एक फटीचर जो है वो हम बातें कर रहे हैं, बेसिकली पाकिस्तान का इशू तो ये नहीं है, लेकिन चूंकि चले PSL एक आपने टूर्नामेंट करवा ली है, आप तो दुबई में देख के भी आ गए हैं तो ज़ाहिर एक्साइटेड हैं लोग सारे। तो इशू ये है कि ये जो सारे लोग आए थे पाकिस्तान में, हमने एक बुत खड़े करने हैं और फिर उन पर बात नहीं करनी, ये हमने फैसला कर लिया। जाहिर है कि जो पाकिस्तान का जो इशूज़ ये हैं कि जो बड़े प्लेयर्स थे वो पाकिस्तान नहीं आए और पाकिस्तान में उनको आना चाहिए था, PSL जो है वो पाकिस्तान में होना चाहिए था। सवाल तो ये बनते हैं हुकूमत से कि $3 अरब ज़रब अज़ब पे ख़र्चा, उसके बाद फिर आप जो है वो कर्फ्यू लगा के मैच कराते हैं, पाकिस्तान में टॉप प्लेयर्स आने को तैयार नहीं होते हैं, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की हालत बुरी है, उसके ऊपर बात जो है वो करनी थी, हम फटीचर बातों को लेके बैठे उस पर आप बात करें, लेकिन ये फटीचर का लफ्ज आज इमरान खान साहब ने इंट्रोड्यूस किया ना, वो ये बात ना करते नहीं, ये बात नहीं होती। तो आप कह रहे हैं कि एक दूसरी बड़ी जमात का लीडर इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करे मेहमान खिलाड़ियों के बारे में, तो उस पर बात ही ना हो, उसको कंडेम ना किया जाए, उसकी मजम्मत ना की जाए, कोई ऐसा इशू नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आपके दादा आपको कहें कि काके इधर आ, तो ये एक आम सी बात है, लेकिन अगर आपका कोई छोटा दादा जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाहिशमंद तो नहीं था, ना तो वो पाकिस्तान की दूसरी जमात का लीडर था। मेरा पॉइंट तो यही है कि मेरा पॉइंट का लीडर अगर इस तरह से इस्तेमाल करे उसको सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। पॉइंट नहीं ना मेरा समझे, मिसाल के तौर के ऊपर मेरे दादा मुझे कहें कि काके इधर आ, तो एक आम सी बात है, लेकिन अगर कोई छोटा मुझे कहेगा काके इधर आ तो मैं समझूंगा। तो इमरान खान जो कह रहे हैं वो अपनी एक क्रिकेट टर्मिनोलॉजी में, अपनी लैंग्वेज में, या कह रहे हैं जो समझे, जिस तरह आप वो बातें क्लब में या क्रिकेट में होती हैं उन्होंने बात की है। अब जाहिर है कि जो फटीचर पार्टी है, जो एक फटीचर स्कैंडल में फंसी हुई है, वो उस फटीचर बातों से निकलने के लिए उसका सहारा ले लिया। मैं, तो कोई नहीं। आरिफ अलवी साहब ने कहा इस पे माफी मांगनी चाहिए, बजाय इसके कि इस मामले पे माफी मांग के इसको खत्म करें, आप अब दूसरी पार्टीज को भी फटीचर का नाम देंगे जो कि आपसे डबल वोट लेकर आए हैं, मतलब ये किस किस्म की सियासत और किस किस्म की सियासी गुफ्तगू हम करने जा रहे हैं। इस तरह से मैंने कोई क्यों लिया ना, डबल 1.5 करोड़ वोट लिया आपने, 80 लाख वोट लिया है ना, चस्का ही आपका, कोई मसला नहीं। आरिफ अलवी साहब को पता नहीं चस्का क्या है, आरिफ अलवी आपकी पार्टी के सीनियर हैं, वो तो उन्होंने पता नहीं कैसे कह दिया, कोई माफी मांग रहा इसमें कौन सी बात है, एज इट सिंपल बात की है, कर दी है, क्या अजाब आ गया, बस ठीक है खत्म। जो खिलाड़ी रिस्क लेके यहाँ पर आए, जिनको एडवाइस दी जाती थी आप ना आए, आप उनके बारे में कहेंगे टीचर खिलाड़ी पैसे लेकर आए, बिल्कुल। तो अगर आपको ये वर्ल्ड क्लास
प्लेयर नहीं है, वो एवरेज प्लेयर है, ये लफ्ज इस्तेमाल कर दे तो बेहतर नहीं वजह इसके कहें कि फटीचर खिलाड़ी है ये? नहीं, बात यह है कि इतना महंगा मैच पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ होगा जो मैच हुआ, लेकिन चले अच्छा हो गया, सारा मैच अच्छा हो गया, बात हो गई, वो इतना बड़ा इशू नहीं है जिसको बनाया हुआ है। परसों इंशाल्लाह पनामा का अगले हफ्ते फैसला आएगा, उस पर डिटेल बातें करेंगे। ये तो ऐसे तो हम बहुत बात कर भी चुके हैं, लेकिन एक नस्ल परस्ती पे मबनी बयान अगर दिया जाए, नस्ल परस्ती कौन सी? उन्होंने कहा ना अफ्रीका से उठा के लिया, कहां से उठा के लिया है? अफ्रीका से कहना नस्ल परस्ती है? नहीं, जिस कॉन्टेक्स में वो बात कर रहे थे कि आपको कॉन्टेक्स का क्या पता, कॉन्टेक्स तो ये था कि अफ्रीका से है, अफ्रीका से नहीं है। हाँ, मुझे बता दे, अफ्रीकन नहीं है? नहीं, बिल्कुल आए थे अफ्रीका से, लेकिन वो ये क्यों कह रहे थे कि रेलू कट्टा और ये फटीचर प्लेयर वहां से आ गए, पता नहीं कहां से उठा के ले आए। कहते हैं ना, जो बी ग्रेड प्लेयर होगा, सी ग्रेड होगा, उसको फटीचर ही कहेंगे ना, क्या कहेंगे? बेशुमार जो अपना फटीचर एंकर साहब, मुझे अल्ताफ हुसैन साहब का वो वक्त याद आ रहा है जब वो बयान देते थे और उसके बाद उनकी पार्टी मेंबर्स कुछ भी करके उसको डिफेंड करते थे। अब उस तरफ तो हालात ना ले जाना, जो गलत बात है कम से कम जबान को तो कंडेम करें कि हाँ ठीक है, एवरेज प्लेयर कहते थे, शायद इस पर बात ही ना होती। अच्छा, आपका अच्छा यार, अगर एवरेज प्लेयर कहते तो ठीक है, फटीचर क्या तो बुरा? जाहिर सी बात है, एक लफ्ज जो है वो गलत है। ठीक है, आपकी इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, एवरेज कह लेते, एग्रीड, तो शायद इतना बड़ा इशू भी ना बनता ना फिर आप कह सकते थे, कोई मसला नहीं, मेरे ख्याल में तो इशू ही नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? आगे कोई सीरियस बात करें। नहीं, मैं उस पे सीरियस बात पे भी आता हूँ, ये बड़ी सीरियस बात है क्योंकि सुबह से इस पे बात हो रही है। कोई नहीं आता है, अभी बेचारा मौज लगी हुई है ना, तारक फजल साहब वगैरह आप नया से जरा दिन गुजार रहे हैं। ये पीटीआई का मीडिया सेल तो नहीं डिसाइड करेगा कि इशू क्या है या नॉन इशू क्या है? मैं तो आपको मीडिया ने इस बयान को सुनते साथ बना लिया इशू और ये इशू बन चुका है। शुगल है ना, सॉरी इशू से, लेकिन ये आप नहीं डिसाइड करेंगे। इमरान खान ने कहा ना शुगल हो गया, और क्या, इमरान खान ने कहा इसलिए जरा अच्छा पूरा दिन लग गया। बदतमीजी वाली बात की ना, कोई बदतमीजी वाली बात नहीं, बात इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं भाई आप। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर दादा अबू कहें कि काका तो वो बदतमीजी नहीं है, छोटा कहे तो बदतमीजी है। ये तो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें बात हो रही है, जब जिस कॉन्टेक्स्ट में इमरान खान बात कर रहे हैं वो लाइट कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, क्या इशू है? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चले, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ये कह रहे हैं कोई इशू ही था, नॉन इशू था, फिर क्या वजह है कि आज राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इसमें माफी मांग ली जाए? 16 बंदे मॉडल टाउन में मार गए, उस पे माफी नहीं मांगी राणा साहब। और मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी कहा कि जिस तरह की उनकी ज़हनियत है उसकी अक्कासी करते हैं ये अल्फाज, क्यों इतनी तनकीद कर रहे हैं फिर आप लोग अगर ये इशू ही नहीं है फवाद चौधरी साहब के मुताबिक? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए गुजारिश है जी कि इस इशू के ऊपर कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तनकीद नहीं कर रही ना, हमने कोई इशू बनाया है। बात साहब जरा पार्टी में नए आए हैं, लिहाजा इनका अपना एक स्टाइल भी है, आपको पता है माशाल्लाह बड़ी महारत रखते हैं पार्टियों को डिफेंड करने की। मैं पुराना इनके साथ आ रहा हूँ टीवी टॉक शोज में, मैं अभी 8 से 9 बजे प्रोग्राम में था जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब तशरीफ लाए थे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बाकायदा आसमा शिराजी में नाम बता देता हूँ उस प्रोग्राम का, उस प्रोग्राम में माफी मांगी है। माफी मांगी है, बिल्कुल माफी मांगी है। मैंने आपको एंकर का नाम बताया है, आज 8 से 9 आसमा शिराजी साहब के प्रोग्राम में उन्होंने माफी मांगी है। आरिफ अलवी साहब माफी मांगने की बात कर रहे हैं इमरान खान साहब के इस कमेंट के ऊपर। देखिए कॉन्टेक्स्ट की बात ये नहीं है कि जनाब उन्होंने सिर्फ टीचर कह दिया आपस में किसी कैजुअल टॉक में, कॉन्टेक्स्ट शुरू वहां से होता है कि जब पीएसएल का फाइनल लाहौर में कराने की बात होती है और गवर्नमेंट ये फैसला करती है, और फैसला क्यों करती है? इसलिए करती है कि हमने पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया को दिखाना है, पाकिस्तान की बहादुर कौम का जज्बा पूरी दुनिया को दिखाना है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के जो इदारे हैं जिनकी अजम हौसला और पाकिस्तान में एक अमन कायम करने के लिए जो अपनी जान की नजराने दे रहे हैं उनका नाम पूरी दुनिया को दिखाना है। पीएसएल का फाइनल करा के विफाज साहब मुंह बंद करेंगे, मैं बात कर लूं, मेहरबानी करेंगे। आपकी जुगतबाजियां और आपका मस्करापन से कोई महसूस नहीं हो रहा, मैं पाकिस्तान सितारों की बात कर रहा हूँ, उनकी कुर्बानियों की बात कर रहा हूँ। यानी कितनी बड़ी कुर्बानियां है कि पीएसएल का फाइनल करा लिया। दिनों एक तस्वीर, छोटी बात तो मस्करापन बंद, छोटी बात तो सुन लेंगे, सुन लेंगे। शहीद हुआ था और उस सुल्तान शहीद के ऊपर उसकी 7 साल की बेटी सर रख के बैठी। हाँ, तो ये आपकी पॉलिसीज की वजह से हो रही है ना माशाल्लाह। ये जो पीएसएल के फाइनल करा के जो बंदा ये कह रहे हैं ये शहीद हुए हैं, ये आप लोगों की वजह से, आपकी पॉलिसीज की वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं। पागलपन कहा जहाँ चौधरी निजार साहब की, जरा कोयटा कमीशन रिपोर्ट पढ़ ले जाके, उसके पे इम्प्लीमेंटेशन आता है। साहब को वक्त दूंगा इस बात पे। जी 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 डॉक्टर साहब, आप बात करें, आप बात करें, आपका वक्त है, आप बात करें। जी जी जी, तारक साहब डिप्रेशन में है, शुरू हुआ है जी, ये शुरू हुआ है उनके पागलपन कहने से, इस पूरे पूरे यानी पीसीएल के मैच को, इस फैसले को, इसे अमकाना कहने से, ये उनकी एक सोच की फरौनियत और रौनियत है। ये आज हमें कहते हैं जनाब ये बड़े जनाब वो मोदी इनका दोस्त है, मैं तो खुदा शायद है मुझे आज ये ऐसा लगा कि पाकिस्तान में इस पीसीएल के मैच के ऊपर ये कमेंट्स किसी पाकिस्तानी ने नहीं, किसी इंडियन लीडर ने दिए हैं, जो इन प्लेयर्स का यानी प्लेयर्स का तमस्कर उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है। मैं तो ये कहूंगा आज
कि पाकिस्तान की कौम का मुस्तकबिल में इमरान खान साहब से कोई अच्छी उम्मीद लगाना ये पागलपन है। अच्छा डॉक्टर साहब बात बताएं मुझे, ये ठीक है हम सब कह रहे हैं कि ये तौहीन-आमेज़ ज़बान शायद उन्होंने इस्तेमाल की, लफ्ज बेहतर इस्तेमाल कर लेते अगर उनका ओपिनियन यही था खिलाड़ियों के बारे में, कम से कम अल्फाज का चुनाव बेहतर होता। लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब ने जो बात की इसके बाद, वो आके कहते हैं ये हिंदू बनिए की जबान है जो उन्होंने इस्तेमाल की, ये क्या मुनासिब जबान है जो राणा सनाउल्लाह साहब जैसे अल्फाज में तंकीद कर रहे हैं? इसका जवाब राणा सनाउल्लाह साहब देंगे, मैंने उनकी ये लफ्ज नहीं सुने उन्होंने क्यों ये जबान इस्तेमाल की, लेकिन बहरहाल ये दुखी दिल की अक्कासी जरूर है। पाकिस्तानियों का जज्बात इससे मजरूह हुए हैं, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, जो अपने मेहमानों की इज्जत करना जानते हैं, उनके दिल मजरूह हुए हैं इस बात से। अगर वो ये कह देते हैं कि जनाब बहुत नामवर प्लेयर इसमें शामिल नहीं हुए तो ये एक और बात थी, लेकिन उन्हें रेलू कट्टे कहना, उन्हें फटीचर कहना, वो उस वक्त जब कुछ प्लेयर्स ने यह फैसला किया कि हम पाकिस्तान में नहीं आ रहे, उन हालात में वो प्लेयर्स यहाँ पे आए, इमरान खान साहब ने कहा कि पागलपन है मकाना बात है, उसके बावजूद कुछ प्लेयर्स यहाँ पे आए, बजाय इसके कि आप उनकी पजीराई करें आप उनके बारे में ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा मैं समझता हूँ कि आज कौम के जज्बात मजरूह हुए हैं, पाकिस्तानी इस पे दुखी हैं, जितना पीसीएल में पाकिस्तान के लोग खुश थे, जोश और जज्बा था, वलवला था, मैं समझता हूँ उतने लोगों के जज्बात आज मजरूह हुए हैं। सही है, लेकिन इसमें तमाम प्लेयर्स ऐसे भी नहीं थे फवाद साहब, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, जो कि अननोन थे। डेरन सैमी दो वर्ल्ड कप जिता चुका है अपने मुल्क को, वेस्ट इंडीज को, बड़ी बात है, और दोनों वर्ल्ड कप के फाइनल्स में जो मैन ऑफ द मैच था सैम्यूल्स, वो भी इस टूर्नामेंट में खेला, तो ऐसे नहीं थे कि सारे प्लेयर्स जो हैं जिसको आप कह रहे कि ये बिल्कुल ही फटीचर प्लेयर थे। आमिर सोहेल साहब 2009 में फजल साहब की गुफ्तगू को जवाब मैं देता हूं, आमिर सोहेल साहब से जरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं इस जुमले पे। बड़बड़ बड़ी साहब 2009 के बाद क्रिकेट पहली दफा कह सकते हैं कि इतना हाई प्रोफाइल मैच हुआ था, बीच में एक जिम्बाब्वे की टीम आई थी लेकिन कोई आने के लिए तैयार नहीं था, अब बड़ी मुश्किल से ये खिलाड़ी हौसला करके आए, पाकिस्तान मैच खेल के गए, आपके ख्याल में जो जबान इस्तेमाल की इन प्लेयर्स के लिए आपके साबिक कप्तान ने वो दुरुस्त थी? देखिए मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा शहजाद के, सबसे पहले तो इन लोगों को ये रियलाइज करना है कि जब आप टीवी के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं तो आप लोगों के लिविंग रूम में जा रहे हैं, वहां पे बच्चे भी बैठे होते हैं जिन्होंने आपसे सीखना है। जब आप टीवी के ऊपर ऐसी जुबान इस्तेमाल करेंगे वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारे मुल्क में पेरेंटल गाइडेंस नहीं है टेलीविजन चैनल की, तो इन लोगों को एहतियात बरतनी होगी जो अपने आप को सो कॉल्ड लीडर कहते हैं। मैं ये नून लीग की भी बात कर रहा हूं, जब इमरान खान साहब ने अगर चलो ये बात कर दिया, वो एक लार्जर पर्सपेक्टिव में बात कर रहे थे, वो एक 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 चीज को नलिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, जो ये टॉल क्लेम्स कर रहे थे कि जी हमने पीएसएल का फाइनल कराने के बाद पता नहीं क्या मार्का मार लिया। और भाई आप फॉरेन प्लेयर को तो आप जो है प्रोटेक्शन दे रहे हो, आपका आम शहरी जो है वो बेचारा स्कूल अपने बच्चे को नहीं भेज सकता, ये टॉल क्लेम क्यों कर रहे हैं? बात यह है कि राणा सनाउल्लाह ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की उसके बाद उन्होंने घटिया और पता नहीं क्या क्या लफ्ज किया। और भाई हमारे बच्चे बैठे होते हैं, कुछ सीख लो, अगर लीडर बनना है ना तो लीडर बनने की जो चीजें जरूरी हैं, जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी सीख लो। जब तक ये नहीं सीखेंगे ये चलता रहेगा, ये रिटोरिक होते रहेंगे। देखिए अगर एक बंदा अगर गलत बात कर रहा है तो आप उसको गलत बात के साथ जो है उसको उसका जवाब नहीं पेश कर सकते, आप कहीं पे तो डिग्निफाइड हो यार। आपने देखा होगा आमिर सोहेल साहब, अभी ये मीडिया में उड़ा हुआ था कि केविन पीटरसन इसलिए नहीं आए क्योंकि इमरान खान का एक बयान था, केविन पीटरसन के नॉलेज में वो बात आई, इन्फॉर्मेशन उनको कहीं से मिली होगी, उन्होंने पढ़ा होगा और उन्होंने आके सोशल मीडिया पे कल उसको क्लैरिफाई किया। अब मुझे सिर्फ ये बताएं, ये सैम्यूल्स और ये सैमी जो अपनी फैमिली से लड़ झगड़ के यहाँ पे आए होंगे, रिस्क लेके आए, उनको जब पता चलेगा उनके जाने के बाद इस तरह के लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल किए जा रहे कि मीडियोकर प्लेयर थे और रेलू कट्टा थे या बिल्कुल ही फारिक प्लेयर थे, तो वो क्या फील करेंगे कि हम पागल थे वहां खेलने गए थे? देखिए आपको मैं जिस तरह कहा कि अल्फाज का सही चुनाव करना है, आप थर्ड ग्रेड या फोर्थ ग्रेड के क्रिकेटर कह दें कि वो अपनी ए टीम में नहीं आ रहे, वो चौथे लेवल के प्लेयर्स हैं, आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, घटिया का लफ्ज जो है वो नामुनासिब के साथ रिप्लेस हो सकता है। और भाई कुछ तो लोगों को सिखाओ, अगर आप अपने आप को लीडर बनाते हो कुछ तो तहजीब के दायरे में रहो। जिस तरह टीवी शोज के ऊपर आके ये बात करते हैं शर्म आती है, आप टीवी नहीं लगा सकते, आपकी हिम्मत ही नहीं हो सकती कि बच्चों के आगे टीवी लगा दें। और आप लोगों को भी आप लोगों को भी इनको कंट्रोल करना सिखाइए। सही कह रहे हैं आमिर सोहेल साहब, लेकिन ये बताएं कि ये क्योंकि इतने साल से क्रिकेट हुई नहीं है, कोई आने के लिए तैयार नहीं है, तो अगर थर्ड टीयर के या थर्ड कैटेगरी के प्लेयर भी आके खेल रहे हैं पाकिस्तान, क्या वो भी एक स्मॉल स्टेप सही लेकिन एक अचीवमेंट नहीं है? क्योंकि अगर खुद प्लेयर नहीं आना चाह रहा तो आप जबरदस्ती तो नहीं लेके आ सकते उनको। देखिए ये कोई अचीवमेंट नहीं है इन माय ओपिनियन, लेट मी बी ऑनेस्ट।
अगर ये सारे रिटायर्ड प्लेयर जो हैं जिनके पास अब क्रिकेट खेलने का एवेन्यू कोई नहीं है, उनको ये एवेन्यू मिल रहा है तो वो आएंगे, वो रिस्क लेंगे। जब उनको ये बताया जा रहा है कि आपको सेवन लेयर सिक्योरिटी मिलेगी, वो तो आके पैसा बनाएंगे, उनके लिए तो ये आइडियल सिचुएशन है, और आप उनको बेबहा पैसे दे रहे हो। बात सिंपल सी ये है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो जो भी आपने इदारे चलाने हैं, उसकी दो चीजें हैं, या तो आप सब्जेक्टिवली जो है वो बहुत ज्यादा स्टर्न होते हैं, फर्म होते हैं, और ऑब्जेक्टिवली आप फ्लेक्सिबल होते हैं, या ऑब्जेक्टिवली फर्म होते हैं और सब्जेक्टिवली आप जो है वो टोटली फ्लेक्सिबल होते हैं। बेसिकली अभी तक इनको ये नहीं पता चल सका, और झूठ बोलते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, गलत दावे करते रहते हैं। भाई आपने करवा लिया, हमने अप्रिशिएट किया, आप इसको ये कहें, आप ये ना कहें कि इंटरनेशनल क्रिकेट आ जाएगी, ये हो जाएगा, आप ये कहें कि भाई दुनिया वालों देख लो कि पाकिस्तानियों को खेल से कितनी मोहब्बत है। अब आप सोचो इस इन पाकिस्तानियों के लिए क्या करना है जिन्होंने आपके लिए जाने दी हुई है, इनको केस नहीं प्लीड करना। चौधरी साहब, ये जैसे तारिक साहब कह रहे थे, दो तीन बयान तबातर के साथ जो आए, ऐसा लग रहा है कि पीएसएल का फाइनल यहाँ होना ये हजम नहीं हुआ है इमरान खान साहब को, ऐसी बात है कोई? देखिए शहजाद साहब, पहले तो जो मलका जज्बात बन के तारिक फजल चौधरी साहब ने बताया है शहीदों का लहू और ये वो, इनको मैं ये कहूँगा, पहले तो जो राणा सनाउल्ला की आपने बात की, राणा सनाउल्ला साहब को जो शर्म, ग्रेस, माफ़ी, क्या मॉडल टाउन के 16 लोगों की शहादत पर नहीं मांगनी चाहिए थी, जो एक बयान के ऊपर जो वो बात कर रहे हैं। तारक फजल चौधरी साहब को जो है वो इतना एक जज्बातीपन, पैनामा के ऊपर जब वो डिफेंस कर रहे होते हैं नवाज शरीफ साहब का, जो पूरी दुनिया में पता है कि एक करप्शन का है, उसके ऊपर तो शर्म नहीं आती है, इसके ऊपर उन्हें बड़ी शर्म आई है कि वो फटीचर कहने के ऊपर, जो फटीचर कहने के ऊपर या इसके कहने के ऊपर इशू ये है कि आप ये कह रहे हैं कि पीएसएल का फाइनल करा के हमने पाकिस्तान में वन कायम कर दिया है। लेकिन कम से कम जो एक खौफ की फिजा थी वो एक मैसेज तो जाता है ना, खौफ की फिजा खरीदी जाना, खरीदा गया है, ये नहीं हो सकता कि आप दुनिया भर में ही खेलते हैं, आईपीएल में यहाँ से 10 गुना ज्यादा पैसा मिलता है, $50,000 जो है वो ले एडिशनल दे करके लोगों को लेकर आए हैं, और आप ये पैनामा पेपर समझ रहे हैं कि दो दिन में इशू में खत्म हो जाएगा, इस पे तो बल्कि शर्मिंदा होना चाहिए इन्हें। कोयटा कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लें जाके, और इनको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, जहां पर खिलाड़ियों को रिश्वत दे के लाना पड़ता है और क्लब लेवल के खिलाड़ियों को लाना पड़ता है पाकिस्तान में, आप कह रहे हैं कि कर्फ्यू लगा के रिश्वत दिए हो तब आए, ऑब्वियसली $50,000 दिया, हाँ तो भाई और ऑब्वियसली उनकी डिमांड होगी ना, लेकिन क्या डिमांड यही होगा ना, रिश्वत तो नाजायज है ना, अगर बात यह है क्या कर रहे हैं आप लोगों को, आप पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉइंट हमें सुन लेना, आप एडवाइजरीज लेके जा रहे हैं, आप उनको ला रहे, एक आपने किला बना के वहां पे मैच करवा दिया, और उसके बाद आप कह रहे हैं देखिए पाकिस्तान के जो सब्सटेंटिव इश्यूज हैं उनको आप सोल्यूशन में लाएं, आपको अमन से क्रिकेट आएगी, क्रिकेट से अमन नहीं आने वाला। आपने पाकिस्तान के शहरी आज जो है वो वहां पर मेहमद में पिछले दिनों 5 लोग जो है वो शहीद हो गए हैं, आप अपनी कोयटा कमीशन की रिपोर्ट पढ़े चौधरी निसार साहब, आपको नजर नहीं आते सब्सटेंटिव इशू इस हुकूमत से एक नहीं होता, इमरान खान ने कह दिया पूरा साहब पढ़ के, ये जो नजम शेट्टी साहब भी आके कह रहे थे आवाम ने जो है कम से कम जो खौफ है उसको शिकस्त दे दी है, वो गलत कह रहे थे, कैसे खौफ से शिकस्त हो सकती है, एक दिन के मैच होने से शिकस्त हो जाती है, लोग निकले, ये मसले हल हो गए, नहीं मसले नहीं हल, अमन आ गया, लेकिन उन लोगों ने कम से कम अमन अमन पीस हो गया था लाहौर में, उसके बावजूद वो निकले थे। देखिए पूरी दुनिया में इस तरह की हुकूमतें जो फासिस्ट हुकूमतें होती हैं, जो मौजूदा हुकूमत है जिसके इस वक्त तारिक फजल साहब नुमाइंदे हैं, फासिस्ट हुकूमतें लोगों को इस तरह के रिलीफ देने के लिए इस तरह के तमाशे करती हैं और असल सब्सटेंटिव इश्यू से मामलात को तवज्जो हटाने के लिए करते हैं, ये जो तमाशे हैं ये नहीं चलेंगे। क्या वजह है कि वो कह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी ने आके इस पे माफी मांगी है, आप यहां पे शाह महमूद कुरैशी साहब आरफ अलवी साहब का अपना इशू होगा मुझे तो नहीं पता, मैं कहता हूं कि इमरान खान साहब का, मैं उस वक्त मौजूद था वहां पर जब ये बात हो रही थी, मुझे कॉन्टेक्स्ट पता है किसमें बात हो रही थी, अलवी साहब को शाह साहब को चाहिए था कि वो पहले कॉन्टेक्स्ट पता करते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर उन्होंने माफी मांगी है जो ये बता रहे हैं गलत मांगी है, नहीं मांगनी चाहिए थी, इशू ही नहीं है माफी मांगने का, एक कॉन्टेक्स्ट में इमरान खान ने बात की और बिल्कुल सही बात की, बिल्कुल सही बात की, बिल्कुल सही जो लफ्जों के चुनाव तो वो भी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही था यार, एक बात कर रहे होते हैं क्या बात हो गया, अजाब आ गया। वाह चौधरी साहब, मैं फिर कहूंगा एक मेहमान खिलाड़ी जब यहाँ पर आते हैं तो उनके लफ्ज तो मेहमान खिलाड़ी करते उनके लिए एहतराम कर रहे हैं भाई, एहतराम क्या कर रहे हैं, कुछ सेमी कोई छोटा प्लेयर है आपके ख्याल में, अगर उसके हवाले से कर दिया है सेमी को, किसने कह दिया है, जो टीचर थे जो टीचर आपने तो आइडेंटिफाई नहीं किया, टीचर तो आपकी कर रहे हैं फिर हमारे लिए, उन्होंने
नहीं, व्हाई वुड यू से दैट? जनरल स्टेटमेंट विल अप्लाई ऑन ऑल। आप पहले पूरी प्रेस आए थे ओ भाई, आप पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लेना था कि आपको कॉन्टेक्स्ट पता चल जाए। उन्होंने किए वजाद के ये प्लेयर्स जो आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी? मैंने बिल्कुल सुनी बात जिसमें उन्होंने जो ये स्टेटमेंट था मैं सुनवा से, तो उन्होंने जनरल आप मुझे बता रहे सैमी के अलावा तो लोगों के नाम आपको भी नहीं पता थे? सैम्यूल्स आया था, अभी आज आपने पता किया? विविन रिचर्ड जो है उसका नाम नहीं पता? मैच खेल रहा था, मैच तो नहीं खेल रहा था, पाकिस्तान तो आया था, उसका तो क्या ताल्लुक है? वो प्लेयर था, मेंटोर था ना, उसका ताल्लुक ही नहीं है। ये बात ये ना आपने पढ़ा नहीं, खुद भी नहीं पढ़ा। अच्छा मुझे पांच प्लेयर्स के नाम बता दो। अच्छा तारिक फजल चौधरी साहब से कहे मुझे तीन प्लेयर्स के नाम। अच्छा मैं से शर्त लगा लूंगा, लेकिन मैं आपको दावा करता हूं आप इमरान खान से बता दे। अच्छा मुझे तारिक फजल चौधरी साहब को इमरान खान से कहें कि मुझे तीन खिलाड़ी के नाम बता दे। इमरान खान को तो नहीं ना पता, इसमें तो टीचर है, तो अगर उनको नहीं पता तो जिस खिलाड़ी का इमरान खान को नहीं पता वो क्या प्लेयर है? अच्छा मुझे आप बताएं, आप सिर्फ तारिक फजल चौधरी साहब से कह रहे तीन खिलाड़ियों का नाम बता दे। ये तो इरेलेवेंट क्वेश्चन है, तारिक फजल चौधरी साहब को इससे क्या ताल्लुक है? जिसने बयान दिया होना चाहिए ना, आपका टीचर है या नहीं है वो? इमरान खान साहब टेस्ट क्रिकेटर रह चुके हैं, बड़े खिलाड़ी हैं। अच्छा आप बताएं कौन कौन प्लेयर जो है वो कहां पर खेले थे, बताइए मुझे। मुझे सब पता है, आप तो बता दो, मुझे पता है क्या पूछना चाह रहे हैं, बताइए। अच्छा बताइए ना कौन कौन से, फिर आप इमरान खान साहब से पूछेंगे ये फोन करके कौन खिलाड़ी खेल रहे थे, क्या चीज कि कौन खिलाड़ी खेल रहे थे? ओहो इमरान खान को तो पता ही नहीं ना, मेरी क्रिकेट नॉलेज ना चेक करें। तो नहीं ना पता, मिलन ओपनर था पेशावर जलमी का, वो खेल रहा था वहां पे। अच्छा ये सैम्यूल्स खेल रहा था जो कि दो दफा मैन ऑफ द फाइनल रह चुका है, दुनिया के सैमी जो है दो दफा इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जीत चुका है अपनी टीम के लिए, ठीक है। जो ओपनर था मर्विन रिक वो साउथ अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका के लिए पिछले महीने मैच खेला है, उसने ओपनिंग बैटिंग की है, विकेट कीपर है, मतलब आप वेस्ट इंडीज का एक बॉलर आया था एमरेट, उसने आके तीन विकेट लिए इस मैच में, मतलब मेरी नॉलेज तो ना चेक करें ना क्रिकेट पे कम से कम। फवाद चौधरी साहब अपने लीडर को डिफेंड करने के लिए, वो भी तारिक फजल चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि इतना खर्चा किया आपने, जरबे अजब जंग लड़ी आपने, और इसके बाद अगर इस माहौल में क्रिकेट करवाया जा रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है, बल्कि आप जवाब दें अपने फेलियर्स का। देखिए गुजारिश है जी कि मैंने बहुत एक संजीदा बात की थी, और मैंने पाकिस्तान की जो अफवाज हैं, इंटेलिजेंस के इदारे हैं, मैंने सिर्फ एक सिंपल सी बात की थी, और ये बड़ी नॉन कंट्रोवर्शियल बात थी कि उन इदारों की कुर्बानियां और उन इदारों की बहादुरी के जज्बे को पूरी दुनिया को दिखाने के लिए ये एक इवेंट था कि हम डरते नहीं हैं, और हम उन लोगों के साथ आज भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और उसमें जो हर्जा रसाई जो है फवाद चौधरी साहब ने की, मैं उस पर कोई रिएक्ट नहीं करूँगा। देखें जब ये मैच हुआ पीएसएल का, दो मैच हो रहे थे उस वक्त, तो बड़ी खूबसूरत बात, और मैं ये किसी की लिखी हुई बात कोट कर रहा हूँ, बड़े सीनियर साफी ने कल ये बात अखबार में लिखी है, बड़े सीनियर एक एंकर हैं, और मैं नाम भी बता देता हूँ, हामिद मीर साहब, उन्होंने ये लिखा है कि दो मैच एक वक्त में हो रहे थे, एक मैच कसाफी स्टेडियम के अंदर हो रहा था जो दो टीमें खेल रही थी, और एक मैच स्टेडियम के बाहर हो रहा था जो पाकिस्तान की अफवाज, रेंजर्स, पंजाब पुलिस, इंटेलिजेंस के इदारे लड़ रहे थे वो मैच उन फोर्सेस के खिलाफ जो पाकिस्तान के अमन के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान की सलामती के दुश्मन हैं, और हमने वो मैच हर सूरत में जीतना था। इसमें जो उन्होंने खूबसूरत अल्फाज गए ये उनको मुबारक हो, मेरे पास करूंगा, ठीक है। आईएसपीआर का भी यही वर्जन है ना कि हमने फौज वहां पे भेजी ताकि पुनः अमन मैच हो जाए, ये तो अपना फेलियर बता रहे हैं। एक मैच के लिए पूरे स्टेडियम को, पूरे शहर को फोर्ट्रेस बनाया जाए, ये कामयाबी है या नाकामी है? ये एक नॉन पॉलिटिकल चीज थी, इसको जिस तरह पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने क्रिटिसाइज किया, जो कमेंट्स दिए, ये इनको मुबारक हो, हम इनको कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं दे रहे। मैं दुआ करता हूँ जरा फवाद या शहजाद एक मिनट दे दिया करें ना, आपने अपने आमिर सोहेल साहब को 10 मिनट दिए अनइंटरप्टेड, फवाद साहब को दिए, मुझे कुछ 2 मिनट बात तो करने दें। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हम कोई इनकी इन बयान के ऊपर ना रिएक्ट करेंगे, ना कोई बात करेंगे। दुआ जरूर करूंगा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ये तर्ज सियासत 2018 तक कायम रखे, अल्लाह ताला फवाद चौधरी जैसे चार और तर्जमान इमरान खान को नसीब करे, ये मेरी दुआ है दिल से। चले ठीक है तारिक साहब, पनामा के इशू पे बड़े भारी पड़े हैं आपको फवाद चौधरी साहब, इमरान खान के लिए अल्लाह करे चार और फवाद चौधरी इमरान खान को, लेकिन फवाद चौधरी साहब पनामा के इशू पे तो बड़े भारी पड़े हैं आपको, इस इशू पे पता नहीं क्या हो गया। भारी पड़े हैं वो अपने वजन की वजह से पड़े हैं, दलील की वजह से नहीं पड़े। अच्छा आमिर सोहेल साहब ये पढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं जनाब ये करप्शन पनामा लीक्स में, करप्शन का फैसला अभी मेरे भाई होना है। चले ठीक है, आमिर सोहेल साहब से मुझे जवाब ले लेने दीजिए, सौ भी फवाद चौधरी होना जो मर्जी कहते रहे, जब तक फैसला नहीं होता तारे चौधरी साहब में ना कोई वजन है। आमिर सोहेल साहब दलील है, ये कहा जा रहा था कि एक मैच के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट वापस नहीं आएगी, लेकिन ये आईसीसी 11 जो है सितंबर में आने वाली है, तो क्या आप नहीं समझते ये पीएसएल फाइनल करवाने की वजह से एक और स्टेपिंग स्टोन होगा हमारे लिए? वो तो हमारी हुकूमत में आएगी,
बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जो पीएसएल का फाइनल हुआ है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को मुबारकबाद देनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अमित सोल साहब जी, आपने क्वेश्चन मेरे से किया था, आपने मेरे से क्वेश्चन किया था, ये तो हाल है इन लोगों का यार, इनको पता ही नहीं है कि डेकोरम होता क्या है। वो भाई सवाल मेरे से हुआ है फसल चौधरी साहब जी, फरमाइए अमित साहब। बात यह है कि आपकी एजेंसीज जो हैं उनको मुबारकबाद देनी चाहिए कि यस यस कि उन्होंने अच्छा काम किया, इंटरनेशनल मैच हुआ, लेकिन आहिस्ता 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 आपको ये क्लेम नहीं करना कि इंटरनेशनल क्रिकेट आ जाएगी। आप एक एक दो दो मैचेस करवाएं, और सिर्फ लाहौर नहीं होना चाहिए आपका टारगेट, पाकिस्तान में कराची भी है, पिशावर भी है, पिंडी भी है, फैसलाबाद भी है, मुल्तान भी है, आपने बाकी जगह पे भी लेके जाने हैं मैचेस। आप एक एक दो दो करके लेके आए, लेकिन सबसे पहले जब इन्होंने कन्विंस करना इंटरनेशनल टीम को फुल सीरीज के लिए, इनको जवाब ये देने पड़ेंगे। जब मेरी बच्ची मेरे से ये पूछती है कि अब्बा इज इट सेफ टू गो टू स्कूल, इज इट सेफ टू गो टू अ मार्केट, जब मैं उसको ये जवाब दे दूंगा ना, तो फिर बाहर वाले भी आएंगे खेलने। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित साहब, मुझे ये सेगमेंट यही क्लोज करना है, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि चार पीएसएल के चार अगर मैचेस हो रहे हैं टी20 के, आईसीसी 11 जब आएगी, चारों लाहौर में हो रहे हैं। इस पे गौर करना चाहिए कि पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी जो है मैचेस होने चाहिए। एक जैसे हालात है अब तो हर जगह ये जो है इशू है, तो क्यों सिर्फ लाहौर में हो रहे हैं, पाकिस्तान के दीगर शहरों में ये मैचेस करवाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। एक ब्रेक के बाद हम मजीद बात करेंगे एक और इशू पे, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर को टेम्पररी खोल दिया गया है, दहशतगर्दी के वाकयात भी हो रहे हैं, लेकिन भरपूर तरीके से ऑपरेशन रद्दुल फसाद भी जारी है। इस बातों की ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, अब बात करते हैं ऑपरेशन रद्दुल फसाद की, जो कि भरपूर तरीके से जारी है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में। आज भी पाक फौज ने एक बड़ी कार्रवाई की है, स्वाबी में 5 दहशतगर्द जो है वो मारे गए एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में, 2 हमारे फौजी जवान भी शहीद हुए। लेकिन बड़ा अहम ऑपरेशन इसलिए था क्योंकि इन दहशतगर्दों का निशाना था पाकिस्तान के तालीमी इदारे और इसके अलावा जुडिशल कॉम्प्लेक्स, जिसको आज नाकाम बनाया। इससे पहले 2 रोज पहले हमने देखा कि सरहद पार अफगानिस्तान से भी दहशतगर्दों ने पाकिस्तान की साइट पर हमला किया, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए, लेकिन उस हमले को भी नाकाम बनाया और 15 दहशतगर्दों को हलाक किया पाकिस्तान फौज की जवाबी कार्रवाई की वजह से। एक तरफ ये जंग लड़ी जा रही है, दूसरी तरफ पाक अफगान बॉर्डर का भी इशू है, जिसको आज तकरीबन 3 हफ्ते के बाद 2 दिन के लिए खोला गया है, ताकि लोग जो वहां पर जमा थे और जो वहां पर ट्रक्स वगैरह थे उनकी आमदोरफ्त जारी रहे, लेकिन टेम्प्रेरी 2 दिन के लिए खोला गया है। कल फ्लोर ऑफ द हाउस डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने कैटेगोरिकली यह बयान दिया था कि बेहतर बॉर्डर मैनेजमेंट की जरूरत है अगर दहशतगर्दी की लानत को खत्म करना है, और यह भी उन्होंने कहा था कि हमारा हक है कि अगर दहशतगर्दी हो रही है अफगानिस्तान के तरफ से उनके इलाकों से, तो हम हक रखते हैं कि बॉर्डर को जब भी बंद करें। लेकिन आज श्री मजारी साहिबा ने यह कहा कि बॉर्डर को बंद कर देने से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो सकता। उन्होंने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर भी कई सवाल उठाए हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त सीनियर तजियाकार रहीमुल्ला यूसुफ जई साहब मौजूद हैं। अब्रिया रहीमुल्ला साहब, आपने वक्त दिया, ये बताइएगा कि बॉर्डर को बंद करने से क्या हम ये कह सकते हैं कि इफेक्टिवली जो दहशतगर्दी है उसका खात्मा हो जाएगा, या ये मुमकिन नहीं है बॉर्डर को बंद करने से? नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि हम सारे बॉर्डर को बंद नहीं कर सकते। हमने तो कुछ मखसूस जगहों को बंद किया है जो ऑफिशियल क्रॉसिंग प्वाइंट है, यानी तोरखम है, चमन है, गुलाम खान है। बाकी तो इसमें कोई 245 रास्ते हैं और वो सारे आने जाने के रास्ते हैं, हर जगह पर हम बंद नहीं कर सकते। तो ये जो हम कहते हैं ना कि बॉर्डर को सील कर दिया है, ये मुमकिन नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर कोई तोरखम या चमन या गुलाम खान के रास्ते पाकिस्तान में आना चाहे यहाँ पे वो हमला करने के लिए, तो वहाँ पे तो हम उनके ऊपर निगाह रख सकते हैं, बॉर्डर के अगर बंद होगा तो वो नहीं आएंगे, लेकिन जो बाकी रास्ते हैं वहां से तो वो आएंगे। दूसरी बात यह है कि पहले ही काफी लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, आ चुके हैं, जिस तरह आज साबित हुआ मलिकाबाद स्वाबी में जो कार्रवाई हुई, तो वहां पर 5 ये लोग मौजूद थे और उन्होंने भी फायरिंग की है और 2 हमारे फौजी जो है वो शहीद हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि
ये सारे लोग जो है ये अफगानिस्तान से आ रहे हैं, यहाँ पर पहले आ चुके हैं, मौजूद हैं, यहाँ सहूलतकार भी हैं। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें हमें निगाह में रखनी है, ये एक मुसलसल अमल है और ऐसा नहीं है कि 2-18 दिन हम बॉर्डर को बंद रखेंगे 2-3 जगह पर तो ये आमदरफ्त रुक जाएगी। सही, लेकिन ये बताएगा कि क्या ये फिर एक प्रेशर टैक्टिक है पाकिस्तान की तरफ से कि हम बॉर्डर को बंद करेंगे, काबुल पर प्रेशर बढ़ेगा और इसके बाद शायद वो जो दहशतगर्द पनाह लिए हुए हैं अफगानिस्तान साइड पे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्या ये प्रेशर टैक्टिक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं हम? देखिए, एक तो हमारी हुकूमत ये साबित करना चाह रही है कि देखे वहां से लोग आ रहे हैं इसीलिए हमने बॉर्डर बंद किया है, वहां से लोग आ रहे हैं, वहां पे उनके मराकज हैं, वहां प्लानिंग होती है, तो इसलिए हमने गोलाबारी भी की है उस पर। और तो ये हमने एक तो ये जो हमारा नुक्ता नजर है पाकिस्तान का उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं कि वाकई ऐसा है, इसलिए हमने ये दो बड़ी जो है इकदाम किए। और फिर ये भी है कि ये एक अमली काम तो है लेकिन ये टोकन भी है, ये ऐसा नहीं है कि यही मसले का हल है। मसले का हल तो तब होगा जब अफगानिस्तान में जो उनके मराकज हैं, जो उनको बिल्कुल खुलेआम एक उनको फ्री हैंड दिया हुआ है, उसको रोका जाए। और उस पर कैसे मजबूर कर सकते हैं रहीमुल्ला साहब, कैसे मजबूर कर सकते हैं अफगान हुकूमत को कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें? ये तो मेरे ख्याल में एक उनसे डील करनी पड़ेगी। पहले तो हमने ये फैसला करना है कि क्या ये अफगान हुकूमत इतनी मजबूत है, क्या इससे हमारी डील जो है वो करनी चाहिए। लेकिन अफगान तालिबान कहते हैं कि हम इस अफगान हुकूमत से कोई मामला तय नहीं कर सकते, ये डिलीवर नहीं कर सकते, ये कमजोर हुकूमत है, इसलिए वो बराह रास्त अमरीका से बातचीत करना चाह रहे हैं और की भी है। तो फिर हमने भी ये फैसला करना है, लेकिन चूंकि यही एक हुकूमत है अफगानिस्तान में और इसको दुनिया मानती है और ये एक मुंतखब हुकूमत है, तो मेरे ख्याल में इनसे हमें मामला तय करने पड़ेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है जी, जो पॉलिसी उनकी है, जो उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, वो रोका जाए और हम अगर उनको तसल्ली दे दें कि पाकिस्तान की सरजमीन उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, तो फिर ही मेरे ख्याल में कोई मामला तय हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब हमसे बात कर रहे थे। बॉर्डर को क्लोज करना यकीनन एक टोकन स्टेप तो हो सकता है, लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता कि मुकम्मल दहशतगर्दी जो है वो उस पर काबू पा लिया जाएगा या वहाँ से दहशतगर्दी आना बंद हो जाएगी, क्योंकि 245 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर प्रॉपर बॉर्डर नहीं है, वो भी एंट्री पॉइंट्स हैं। लेकिन बातचीत करने की ज़रूरत है, दोनों तरफ से एश्योरिटी देनी पड़ेगी कि हमारी सरजमीन मुखालिफ के लिए, हमारी सरजमीन जो नेबर्स हैं उनके लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।